तो आप सामने देख सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश की शान, हरियाणा नस्ल, रामू चैंपियन बुल का बेटा शामू और उसकी साथ में माँ और बेटे का प्रेम भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये है शामू का छोटा भाई, पीछे आप देख सकते हो। और इधर शर्मा जी को भी आप देख सकते हो। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि मैं पहले जो वीडियो बनाई मैं उसमें थोड़ा भूल गया था उस बारे में जिक्र करना। तो शामू जो बुल है आपके पास, जी जी, तो इसके सिमन आपके पास हैं? जी है, सिमन है। है, अच्छा, तो क्या कुछ रेट में अवेलेबल करवाते हो? नहीं, यहाँ से लेके जाता 100 100 रुपया है। अच्छा, 100 रुपया। अगर यहाँ से कोई ले करके जाए तो 100 रुपया है। ठीक है जी, ठीक है। और कौन कौन से इसके अलावा भी आपके पास कोई है? नहीं, बनाना तो सतबीर के बनाएंगे अभी। अच्छा, सतबीर के मीना सांड है, उसके बनाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ जी, मीना सांड के भी उसके बनाएंगे, क्योंकि जो प्रयोजनी अच्छी है, प्रयोजनी अच्छी आ रही है। जो रामू हमने बुल पाला था उस टाइम तो इतना दिमाग काम नहीं करता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ के रामू बुल हरियाणा नस्ल का होने के नाते ही पाला था। हाँ जी, हाँ जी। परंतु उसके बाद तो काफी सुधार करके ये नंदी तैयार की है। ठीक है जी, ठीक है। तो उस समय जो इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, ज्ञान भी नहीं था, और लोग हमारे को ऐसे भी ऐसे करेंगे क्या? हाँ हाँ भाई, इस नस्ल का तैयार करके करेंगे क्या? हरियाणा नस्ल आप पता चला 5-4 साल में, 7 साल में भी अच्छा है, इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, ज्यादा ज्यादा फैलाएं भी। कल को ये सही बात है, नंदियों के भरोसे तो पहले ही अपनी जो ब्रीड है खराब हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छे नंदी नहीं रहे तो आज लोप हो गई है। अच्छी गायें बहुत कम मिलेगी, देखा जाए तो पूरे हरियाणा में 15-20 गायें बड़ी मुश्किल से मिलेगी जो अच्छे दूध वाली, 18-20 किलो की दूध हरियाणा नस्ल में। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो शर्मा जी ने जैसा बताया कि किस तरह से हम नंदियों का संरक्षण कर रहे हैं और आने वाला समय पता नहीं कैसा हो, आज हमारे पास क्या है और कल क्या न हो, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सिमन की व्यवस्था भी हमें ज़रूरी है, सिमन हमारे पास होने चाहिए। तो उसके लिए अच्छे नंदियों का चयन करना और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए अच्छे नंदी का चयन करना और उसकी माँ का जो रिकॉर्ड है वो भी चेक करना साथ में। अगर सिमन ना होता, हाँ जी, हाँ जी, आज रामू बुल का नाम ना होता। बिल्कुल सही बात है, अगर सिमन नहीं होता तो रामू बुल का नाम नहीं होता, और रामू बुल का नाम कितना रोशन। हाँ जी, हाँ जी, सिमन के वजह से उन सब आदमी तो क्रॉस करवा नहीं सकते। हाँ जी, हाँ, जगह जगह जाके अगर इसी अपन देश में रहे भी क्रॉस कराएंगे नहीं, जिसके पास सुविधा है वो क्रॉस कराए। हाँ, सबसे पहले क्रॉस कराए। हाँ, अगर सुविधा नहीं तो सिमन से आगे गायें बढ़ाए। ठीक है जी, ये भी बहुत धर्म का काम है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो अपनी संस्कृति की गायें उसको गैब करवाते जाती हैं, हाँ भी नहीं हम तो क्रॉस करवाएंगे, ये कराएंगे, वो कैसा भी नंदी होगा क्रॉस तो करवा देंगे, फिर आप वापस वही टाइम आएगा, लोग भूल जाएंगे। हाँ हाँ, 3-4 किलो दूध देंगी फिर वो आके भूल जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। अब जो शौक पैदा हुआ है, ये गो प्रेमियों से अनुरोध है मेरा, अच्छे गायों का सिमन जूते अच्छे सांडों से क्रॉस कराएं, जो आने वाली अपने बच्चे हैं वो भी याद रखें, हमारे माँ बाप ने कुछ पैदा करके दिया। हाँ हाँ, आने वाली जो पीढ़ी है वो भी याद करें हमें। तो शर्मा जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा उसके बारे में कि जिस तरह से इन्होंने बताया है कि हमें अच्छे नंदियों का चयन करना होगा और गौ माताएं भी हमें 18 से 20 किलो की बहुत कम देखने को मिलती है, तो उनका उन्हीं के नंदियों का हमें चयन करना होगा। और इन्होंने एक चीज़ और बताई, अगर जहां तक संभव हो आपके पास नंदी की सुविधा है तो आप सबसे पहले जो प्राकृतिक गर्भदान है वो ही आप करवाएं। सिमन तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, जब कोई और कोई ऑप्शन नहीं बचता तो उस समय हम सिमन का उपयोग करें, क्योंकि कई बार गौ माता सिमन को इतना नहीं मानती, और जो प्राकृतिक गर्भधान है तो उसकी क्षमता ही अलग होती है, तो उसका तो रिजल्ट ही अलग देखने को मिलता है। तो शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद।